अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर की फिल्म 102 नॉट आउट का ट्रेलर लोगों को काफी पसंद आ रहा है। फिल्म के ट्रेलर की काफी चर्चाएं हो रही हैं। फिल्म के ट्रेलर के साथ ही अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर दोनों के लुक को भी दर्शकों ने काफी पसंद किया है। पर क्या आप जानते हैं कि इस लुक के पीछे कितने घंटों की मेहनत है? इस लुक के लिए अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर को रोजाना 7 घंटे देने पड़ते थे। उसके बाद 6 घंटे ये दोनों शूटिंग करते थे। अपनी उम्र से बढ़कर आदमी का किरदार निभाने के लिए उन्हें प्रोस्थेटिक मेकअप के सिवाय दूसरा विकल्प नहीं था। ये दोनों ही दिग्गज कलाकार सुबह 5 बजे सेट पर आ जाते थे, फिर शुरू होता था इनका मेकअप। 7 घंटे बाद सीधे खाना खाकर फिर शूटिंग की शुरुआत होती थी। शाम को 6 बजे तक शूटिंग शुरू रहती थी। ये 13 घंटे का शेड्यूल यूं ही 45 दिन तक चला। इतना ही नहीं तो कभी कभी कुछ सीन्स की वजह से शूटिंग 16-16 घंटे भी चलती थी। फिर भी बिना किसी शिकायत के इन दोनों ने ही शूटिंग पूरी की। आपको बता दें, अमिताभ बच्चन से ज्यादा वक्त ऋषि कपूर के मेकअप को लगता था, क्योंकि फिल्म में वो गंजे दिख रहे हैं, इसीलिए उन्हें कैप पहननी पड़ती थी। 12-12 घंटे तक इसी के साथ उन्हें शूट करना पड़ता था। जब वो कैप निकालते थे तब लगता था मानो किसी ने उनके सर पर ग्लास भर पानी डाल दिया हो, इतना पसीना सर पर होता था। तो अब आप समझे कि हमें ट्रेलर में हंसाने के लिए इन कलाकारों ने इस किरदार के लिए कितनी मेहनत की है।